हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दरअसल हम लोगों के पहनावे, उनकी हासिल की गई डिग्रियां, उनके ओहदे और उनके रहन सहन से उनके व्यक्तित्व को परखते हैं, जबकि हम गलती पर होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सोच ही उसके व्यक्तित्व को बनाती है और उस व्यक्ति की सोच उसके संपर्क में आने वाले बाकी लोगों की सोच को भी प्रभावित करती है। आरती जी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के ज्यूली ग्राम में उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में आंचल ब्रांड नेम के तहत एक मिल्क कलेक्शन सेंटर चलाती हैं। उनकी सकारात्मक सोच से पूरे गांव की महिलाओं की सोच में किस तरह से परिवर्तन आता है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। नीता पांडे है, मैं सचिव हूँ और इस डेयरी को चलाते मुझे आज 4 साल हो चुके हैं। हमारा गांव, पहले इस गांव में डेयरी खोलने के लिए कोई व्यक्ति राजी नहीं था, वो सोचते थे डेयरी है क्या चीज करके। आज धीरे धीरे इस गांव में पहले 25 लीटर दूध था, धीरे धीरे इस गांव का रोजगार चल गया। हर घर से 5 लीटर 6 लीटर हर व्यक्ति दूध लाता है इस गांव पे, और आज 150 लीटर दूध हो चुका है। हर महिला इस डेयरी में दूध लाती है हर घर से, वो उनका रोजगार चल रहा है, वो अपना खर्चा, अपने बच्चों की फीस, इससे महीने में उनके अकाउंट में नगद पैसे आते हैं और वो जाके बैंक से निकाल के अपने बच्चों का खर्चा अपना खुद निकाल सकती है। वो दूसरे पर नहीं है निर्भर, अपना खर्चा खुद निकाल सकती है। और ये गांव बहुत अच्छा चल रहा है दूध से। अब हर व्यक्ति सोचता है कि मैं और जानवर पालूं और रोजगार चलाऊं। उनसे इस डेयरी से हर व्यक्ति को सुविधा मिली है, जैसे चारा हो गया, पशु आहार हो गया और दवाइयाँ, कोई मतलब वो सस्ते रेट पे मिलता है। हाँ, उनको डॉक्टर यहाँ फ्री में आता है, 50 रुपए की पर्ची लगती है उसकी, और दवाइयाँ डेयरी में हर पूरे साल में एक बार दवाइयाँ आती है डेयरी से, और जिसका यहाँ दूध लगा कोई भी उत्पादक है उसको फ्री में दवाइयाँ मिलती है। जैसे कोई किसी का जानवर बीमार हो गया तो अब प्राइवेट डॉक्टर ज्यादा पैसा लेता है, और डेयरी से डॉक्टर फ्री में आता है उनके घर पे। एक फोन करो सुबह को यहाँ पहुँच के, उनका जानवर जो भी है मतलब बीमारी सब फ्री में हो जाती है। तो अब लोगों को थोड़ा जागरूकता मिल गई है, धीरे धीरे रोजगार अपना बढ़ने लग गया है। हर व्यक्ति सोचता है कि हाँ ये हमारा सबसे अच्छा रोजगार है, इसमें उनको हर चीज की सब्सिडी भी मिलती है, सुविधा भी मिलती है, हर व्यक्ति इस रोजगार से बहुत खुश है। जी, आप इस डेयरी को चलाती हैं, तो अब आपको क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्या क्या रूटीन होता है, क्या क्या वर्क होता है आपका, बताइए जरा। मैम शुरू शुरू में ये मशीनें नहीं थी, पहले से हाथ से वो तेजाब वाली मशीनें चलती थी, इसमें लगाते थे पहले शुरू में जब डेयरी खुली थी। आजकल धीरे धीरे सब चीज की व्यवस्था हो गई, ऑनलाइन मशीनें मिल गई हमको, कंप्यूटर मिल चुका है, ये सारा लाल कुआं ऑनलाइन जाता है। और इसमें हर महीने मतलब दूध के हिसाब से हर किसी को पर्ची मिल जाती है, इसमें से निकाल के उसका पैसा कितने रुपए लीटर दूध गया, कैसी फैट असलब है, हर व्यक्ति को पता चल जाता है। और मशीन की वजह से हर व्यक्ति सोचता है कि हाँ मेरा दूध अच्छा जा रहा है करके, इसमें कोई भी मिलावट वाला नहीं था, इसमें जैसा जिसका फैट असलब है उस हिसाब से रेट मिलते हैं व्यक्ति को। और ऑनलाइन द्वारा हर दिन की रिपोर्ट वहाँ लालकुआ पहुंच जाती है, सुविधा अच्छी हो गई है मशीन लगाने के बाद, इसमें हमारा भी हमको भी घर में बैठे बैठे रोजगार मिल गया है।
आपको क्या इससे रोजगार के तौर पे आपकी क्या आमदनी होती है इससे? हमें जैसे दूध बढ़ते रहा, दूध के हिसाब से सैलरी बढ़ते रहती है। गर्मी में दूध कम हो जाता है तो अब सैलरी थोड़ा कम हो जाती है। जैसे 100 लीटर दूध हुआ तो उसमें 2000 रुपए मिलते हैं, और कमीशन जैसे पशु वार घी बेचते हैं उसमें हमें 5 रुपए 10 रुपए की प्रति के हिसाब से वैसे कमीशन मिलता है। इसमें ज्यादा काम नहीं है, 1 घंटे का काम है। हम अपने घर का काम भी कर सकते हैं और ये व्यवसाय भी चला सकते हैं। ये कांटा है, इसमें हम दूध तोलते हैं हर व्यक्ति का। इसको लीटर में लेके इसके ऊपर से केन रखते हैं, दूध का केन। यहाँ पे जो केन रखी है, हर दिन यहाँ से 3 केन जाते हैं दूध के। और इसमें दूध तोलने के हिसाब से ये प्रिंटर है, इसमें पूरे उनके दूध की समरी निकलती है, कितना लीटर दूध है, कितना फैट एसएलएफ है। इस वाले मशीन से हम उनको पर्चा देते हैं कि मधुमेह रेट इतने रुपये जा रहा है। इसमें उनकी फैट एसएलएफ लगती है, जिसका जैसा दूध होगा उस हिसाब से उनको ये मिलता है। अब अनीता जी मुझे ये बताइए कि क्या ये सब काम करने के लिए अगर महिलाएं उसको आपकी तरह स्वरोजगार की तरह ले तो क्या बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, है? मैम ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हाई स्कूल भी है, औरतें जो मेरे साथ की हैं, हम बहुत सारी औरतें साथ में काम करते हैं। कोई इंटर भी है, कोई हाई स्कूल है, कोई 8th क्लास भी पास है। इसमें जरूरी नहीं है, इसमें ज्यादा टफ काम कुछ नहीं है। वो इंसान थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखता है तो फिर उसको आ जाता है करने में। जरूरी नहीं है कि वह बीए पढ़ा हो, एमए पढ़ा हो और सब कुछ उसे आता हो। इसमें कोई भी औरतें अपना सीखने की बात है कर सकता है रोजगार घर में बैठे बैठे। सरकार ने हमें 2-3 महीने पहले से 2 रुपए इस दूध विभाग में और बढ़ा दिया है, जिसके पहले दूध का पैसा तो उनको मैम अलग मिलता है, इसमें 4 रुपए प्रोत्साहन भी मिलता है इनको, जो राज्य सरकार द्वारा जो बाद में आता है। जैसे अभी का प्रोत्साहन है वो अगले साल को आता है, 4-5 महीने का इकट्ठा करके। दूध का पैसा तो उनका जाता ही है बैंक में, वो प्रोत्साहन का पैसा बाहर से आता है, थोड़ा लेट में आता है। जिसकी 7.49 की एसएनएफ होगी तो उसको 3 रुपए बोनस मिलता है, जिसकी 8 की होगी तो उसको 4 रुपए बोनस मिलता है। और जैसे 6.50 की फैट होगी तो और 9 की एसएनएफ होगी तो उसको 40 रुपए लीटर दूध जाता है उसका फैट। हमने सुन जिसका जैसा दूध हुआ, यहाँ तो हर किसी का 37 भी जाता है, किसका 40 भी जाता है, किसका 45 भी। जिसका और अच्छा दूध होगा, जिसकी भैंस जैसी दूध देगी उस हिसाब से यहाँ 60 रुपए लीटर भी दूध जाता है किसी का। गाय का दूध 31, 30, 35 के जिसकी जैसी गाय होगी, जैसा खिलाएंगे हम वैसी जानवर भी दूध देगा। जो लोग यहाँ दूध लेके आते हैं उनको मंथली बेसिस पे उनके अकाउंट में पैसा जाता है? हाँ, जैसे महीने में हर महीने व्यक्ति दूध लाने से महीना पूरा हो गया है, जैसे नवंबर का महीना लग गया, मैंने अक्टूबर की पेमेंट नहीं कर रही है। 2-4 दिन में सर लोग आएंगे, हम 8 तारीख को उनकी पेमेंट है। वैसे तो हम 3 तारीख को 5 तारीख को डाल देते हैं पेमेंट इनकी बैंक में, ग्रामीण बैंक में इनका पैसा आता है। फिर यहाँ की औरतें जाके महीने में अपना खर्चा निकालने के लिए बैंक में जाके अपना पैसा निकाल सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ों को बचाने में, उत्तराखंड को राज्य का दर्जा दिलाने में उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उत्तराखंड की महिलाएं जागरूक हैं, साहसी हैं, कर्मठ हैं। वो अपने खाली समय में बैठकर गपशप नहीं करती हैं, बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी रखती हैं, संबंधित विभागों से ट्रेनिंग लेती हैं, जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और साथ ही गांव-गांव जाकर बाकी महिलाओं को अपने साथ जोड़ती हैं। ऐसी एक नहीं, कई वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। अनीता जी, और कुछ जागरूकता के बारे में और कुछ बताइए डेयरी से रिलेटेड। मैम यहाँ तो हर महीने मीटिंग होती है, यहाँ बाहर से सर लोग कभी कोई कभी कोई आते रहते हैं, कभी पशुपालन से, कभी डेयरी से, हर विभाग से हर महीने यहाँ आते रहती हैं। यहाँ की जागरूक औरतें धीरे धीरे जागरूक हो गई हैं, पहले से उनको पता नहीं था। अब जैसे गांव धीरे धीरे बड़ा आगे को चलता रहा कि हमारा गाँव इतना अच्छा है करके, तो यहाँ की औरतों को सबको थोड़ा थोड़ा बहुत सब कुछ आने लगा है। मतलब औरतें जागरूक हो चुकी है, डेयरी से यहाँ औरतें आती है, उनको वहाँ सीखने के लिए मिलता है कि हाँ तुम इस हिसाब से चारा खिलाओ। पहले से औरतें दिन भर जानवरों को घास डालते रहती थी, जैसे यहाँ मीटिंगें होने लगी, बाहर से लोग आने लगे, उन्होंने बताया कि तुम सुबह को खिलाओ, दिन भर उनको ऐसे चारा मत डालो, उससे दूध कम देते हैं, उनको बैठने का टाइम दो, थोड़ा आराम करने का टाइम दो, जिससे वो अपना खाना पचा सके। उस हिसाब से यहाँ जानवरों में भी थोड़ा सुधार आ गया है, तो जानवर भी ठीक है, दूध अपने आप बढ़ जाता है जानवरों का। अनीता जी एक बात बताइए, जो उत्तराखंड के सुदूर गांव है जहां इतनी लोग महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हैं और अपने पारंपरिक तरीके से अपने पशुओं को पालती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आजकल दुनिया इतनी बदल गई है, जैसे हमारे गांव में सुधार आ गया है, आप भी अपने गांव को सुधारिए, बाहर की दुनिया देखिए, जहाँ पे दो लोग बाहर के आते हैं उनके साथ बैठिए, मिलिए, उनसे पूछिए कि हमारा जानवर ऐसा है, बीमार है, हम दिन भर घास इतना डालते हैं, ऐसे टाइम पे खाना खिलाते हैं, कुछ सीखे। वो औरतें बाहर जाना चाहती नहीं है, बैठती नहीं है, तो उनको पता कैसे चलेगा? जैसे पहले हमारे गाँव में कोई नहीं जाता था, अब धीरे धीरे सबको पता चला, तो सबके अंतर आ गया कि हाँ जाना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ उनसे कि आप भी जाइए बाहर, जहाँ से आपके वहाँ कोई आता है बाहर से आदमी व्यक्ति, पूछे उनसे कि सर हम ऐसा खिलाते हैं, ये होता है, डॉक्टर साहब से मिलिए। आप हर गांव में अब तो सुविधा होगी, हर गांव में डेयरी है, हर गांव में हर महीने मीटिंग होती है, और पशु विभाग से भी हर लोग आते हैं, कभी कहीं से कभी कृषि विभाग से आते रहते हैं, उनसे पूछिए, थोड़ा उनसे सीखिए कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, अपना रोजगार कैसे बढ़ाना चाहिए, कैसे हमें सुविधा मिले। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप बाकी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। हम सबके जीवन में अपॉर्चुनिटीज कई बार आती हैं, कुछ लोग बिना समय गंवाए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बाकी लोग नफा नुकसान की गणना में लग जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती है। बाधाएं तो आएंगी ही, लेकिन साथ में रास्ते भी मिलेंगे, बस सोच को सकारात्मक रखिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।